सो ये है लंका ब्रिज और ये है गड़तांग गली का रास्ता जहाँ से मैं जा रहा हूँ। इस ब्रिज से मेरी बहुत पुरानी याद है, मैं जब भी यहाँ से आता हूँ तो इस ब्रिज पे हमेशा फ़ोटो खिंचवाता हूँ और मेरी करंट इंस्टा DP भी इसी ब्रिज की है। और यहाँ से नीलोंग वैली पूरी साफ दिखती है, मैं दिखाता हूँ। ये जो रास्ता आगे जा रहा है ये गंगोत्री को जा रहा है, गंगोत्री जा नहीं सकते क्योंकि चार धाम बंद है, सबको पता है, बट कोई नहीं, ज़रूर जाऊँगा गंगोत्री भी। मैं नीचे का जो अभी नज़ारा दिखाने वाला हूँ ना, तबीयत खुश ना हो जाए तो बताना मुझे, ठीक है? देखो ये देखो, ओल्ड सिल्क तिब्बत रूट। और बॉयज थक गए चलते हुए? नहीं, ये जितेंद्र है इसके भाई के पास ही रुकता हूँ जब भी हर से लाता हूँ, तो ये भी गड़तांग गली नहीं आया था तो मैं इसे भी अपने साथ ले आया, तो भी मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर भी नहीं चले होंगे, थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, कोई नहीं, मज़ा आ रहा है। कोविड के बाद से मतलब अपनी इम्यूनिटी एक तरह से टेस्ट कर रहा हूँ, बट ये तो है कि भाई कोविड ने इम्यूनिटी बहुत ख़राब कर दी बहुत ज़्यादा, और मैं कभी इतना सांस फूलता नहीं था मेरा, बट कोई नहीं, आदत नहीं डालूंगा तो फिर आगे के ट्रैक कैसे करूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गड़तांग गली जो वुडन ब्रिज दिखाऊंगा मैं आगे, वो उसकी हिस्ट्री जब वो पुल आएगा वो दिखा के तब बताऊंगा बहुत अच्छे से। अभी थोड़ा कम बोलता हूँ क्योंकि ज़्यादा थकूँगा, रास्ता में दिखा दूँगा बिना बोले। चलो Boys, how's the Josh? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. I said, how's the Josh? Hi sir. चलो फिर। वो सामने रोड देख रहे हैं, वो ये बॉर्डर रोड है और नीलोंग वैली के लिए यही रोड जाती है। आगे 2 किलोमीटर आगे भैरव घाटी है, वहाँ से नीलोंग वैली के लिए ऊपर रास्ता जाता है, तो उसका पास अभी तो कहते भैरव घाटी से मिल रहा है जो कि वो दे नहीं रहे हैं, या फिर उत्तरकाशी से मिलता है DM ऑफिस से। और इसे बगोरी जो विलेज है उनका भी ये रास्ता था जो कि अब बंद पड़ा है, जो तिब्बत के लिए वो जाते थे अपने अपने मतलब कि मेन गांव, वो बगोरी से होते हुए इस रास्ते से होते जाते थे, तो अभी उनके लिए भी बंद करा हुआ है। और यहाँ पे भी मुझे जाना है, अभी मेरे को परमिशन नहीं मिली, सो इन फ्यूचर ज़रूर जाऊँगा, फिलहाल ऊपर चलते हैं। ये देखिए पेशवार के पठानों ने क्या कटिंग निकाली है पत्थरों की, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से निकाले हैं। ये देखो क्या प्यारी शेप है, देखो और क्या प्यारा ट्रैक है, कौवे बहुत है यहाँ पे। यहाँ की कहावत क्या थी जो अभी बताई थी जितेंद्र? हरसिल की हवा, हरसिल की हवा, बगोरी की पौवा और लंका पुल की कौवा, ये बहुत फेमस है, कौवे बहुत हैं इधर। चलो आगे चलते हैं। और ये शेप देखो, उत्तराखंड के पहाड़ों में अलग ही बात है। हिमाचल पता नहीं मैं लास्ट कब गया हूँगा, हिमाचल जाना ही छोड़ दिया मैंने जब से उत्तराखंड की लत लगी है।
और एक और अच्छी बात यह है कि बहुत कम लोग हैं जो अभी ये गड़तांग गली आ रहे हैं, क्योंकि अभी ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ऐसे खुले हुए, मेरे ख्याल से 20 दिन करीब। तो बहुत कम टूरिस्ट लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, और मैं यहाँ से आपको एक बार नज़ारा दिखाता हूँ नीचे का, तबीयत फिर से ना खुश हो जाए तो बताना, ठीक है? देखो जस्ट सामने खड़ा, वो देखो वहां से रास्ता, चलो आगे चलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गड़तांग गली, और हमारा जोश इतना हाई हो गया था कि हम सैड बैड भागते हुए आए हैं चारों। तो चलो दिल को थाम के बैठो, और आपको ले जाते हैं पेशवारों के पठानों ने जो लकड़ी का पुल बनाया था उसे दिखाने। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ब्रिज देखो और स्टोरी सुनो, चलो इसकी एक फ़ोटो मैं ज़रूर अपडेट करूंगा। तो इसकी स्टोरी ये है कि जो पेशवार के जो पठान थे, तो यहाँ से इन्होंने तिब्बत जाने का ये रूट निकाला था। यहाँ से ट्रेड एक्सचेंज होता था, जैसे चमड़ा, खाने का सामान, नमक वगैरह ये सब। तो उस टाइम पर ये पुराना रूट था, 150 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है? तो इसी रास्ते से जाया करते थे। ये रास्ता फिर 1962 का जो वॉर हुआ था, तो उसके बाद से ये रास्ता बंद कर दिया था। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने इसकी मरम्मत वगैरह करके दोबारा से इसे अच्छे से रिवैम्प करा है। ये देखो ये नीचे का व्यू, देखो रास्ता कटिंग देखो पहाड़ों की, मतलब किसी की हाइट लंबी है तो उसे झुक के चलना पड़ेगा, और गारंटेड पठान लोग झुकते ही जाते हैं। पठानों की हाइट तो वैसे भी 6-6 फीट से ऊपर होती है, मेरी तो फिर भी काफ़ी कम है, 5-7 मतलब एवरेज है, लेकिन एवरेज छोड़ा नहीं हो वैसे, बट हाइट को छोड़ दें यार, जगह देखो God. इसे कहते हैं हिडन जेम्स, छुपाया हुआ था बट अच्छा है, खोल दिया। तो ये थी गड़तांग गली जो अब एंड हो चुकी है, और इससे आगे हम नहीं जा सकते अब। सो कोशिश करते थोड़ा आगे चल के देखते हैं क्या मिलता है, और चलो का नाम जानवी रिवर है, ये भागीरथी नहीं है, ये भागीरथी से आगे जाके मिलती है। वापसी तो वापसी चलते हुए जैसे आगे का रास्ता कुछ भी नहीं है, तो आगे जाना सेफ नहीं है। तो वही था गड़तांग गली, और वापस